हाय, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक सुपर डायरेक्टर से, नरम जौहर। नरम जी, दरब जी, हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है वो टाइटेनिक, और बॉलीवुड में फिल्में बनती है वो टाटा टाटा फिस। या यू सी व्हाट हैपेंस, यू नो, बेसिकली जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग 100 करोड़ 100 करोड़ डालते हैं पिक्चर बनाने में, या 100 करोड़ डाल के लोग शिप को डुबाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 30-40 करोड़ डाल के पिक्चर को डुबाते अच्छा, हैं। जो पिछला शो हुआ तो आपने पब्लिक से बात की? सो आई ट्राई टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पिछला शो। तो मैं जब वहाँ पे, यू नो, आई वेंट ओवर देयर, यू नो, तो वो जो थिएटर के बाहर खड़े रहते हैं वो क्या दुर्पण, डोर कीपर। यहाँ डोर कीपर। सो यू नो, उसने उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज डोंट गो इनसाइड। व्हाई व्हाई? वो कह रहे हैं कि मुश्किल से ऑडियंस अंदर घुस गई है, अभी अब दरवाजा खोलेंगे तो सबके सब बाहर भाग जाएंगे। बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सम अदर नाइस प्रोजेक्ट्स। दोस्ताना पार्ट 2 बना रहा हूँ, इसमें एक ट्विस्ट भी होगा, एक डिफरेंट सा हीरोइन की तलाश में, जो कैन इमोट एज अ मैन, थोड़ा सा मैनली होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, होंठ भी एकदम सेक्सी होनी चाहिए, आंखें एकदम तितली की तरह, हाथ एकदम सॉफ्ट। कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, यू आर साइंड। आज हमारे साथ है पेशदी की सुर्खियों में रहने वाले फैशनेबल और फेमस फिल्म मेकर बहादुर बंदरकर। अच्छा, हमने सुना है कि आप ट्रैफिक सिग्नल 2 बनाने वाले हैं। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल पार्ट 2 में बना रहा हूँ, और इसमें मैं एक बहुत ही नेचुरली गरीब एक्टर को कास्ट किया है, और सबसे ज़्यादा नेचुरली गरीब एक्टर हमारे इंडस्ट्री में है शर्मन पावेजा। अच्छा, और एक बात बताइए। क्या? नहीं नहीं, कुछ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, आपकी, I respect women। आपकी नेक्स्ट फिल्म में आप किसको हीरोइन लेने वाले? Definitely not a pretty woman। और एक लास्ट क्वेश्चन। या आपके नेक्स्ट फिल्म के लिए आप कौन से सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट। कौन सा? कास्टिंग काउच।